दोस्तों भोले बाबा इतने भोले हैं कि उनसे कोई असुर भी अगर वरदान मांग लेता है ना तो वो उसे भी मना नहीं करते। लेकिन महादेव जितने भोले हैं उतने ही क्रोधी भी हैं। उनके क्रोध के अनेक किस्से हमने पौराणिक कथाओं में सुने हैं कि कैसे उन्होंने अपने ही पुत्र गणेश का गला काट दिया था। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि महादेव ने एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव का ही सिर काट दिया था, और ब्रह्मदेव का सिर काटने के बाद उन्होंने केतकी के फूलों को भी श्राप दे दिया था। लेकिन क्या थी इसके पीछे की वजह? अगर आपके मन में भी ऐसा ही सवाल उठ रहा है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से बाकी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है बहुत ही विधि विधान से होती है, वैसे ही शिव जी की नहीं होती है। वो तो अपने भक्तों के श्रद्धा भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भी लोग अपनी इच्छा से दूध जल और पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। ऐसे में कुछ लोग शिव जी को प्रसन्न करने के चक्कर में ऐसी चीजें भी शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं जिनसे प्रसन्न होने के बजाय शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। ऐसी चीजों में लाल फूल जैसे कि गुलाब शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन जिस चीज से शिव जी को सबसे ज्यादा क्रोध आता है वो है केतकी का फूल। दरअसल शिव जी यूं ही उससे इतना ज्यादा नफरत नहीं करते हैं, बल्कि इसमें गलती स्वयं केतकी के फूल की ही है। लेकिन केतकी के फूल और ब्रह्मा जी ने ऐसा क्या किया था जो शिव जी ने ब्रह्मा जी का सर काट दिया और उस पुष्प को श्राप दे दिया? ये जानने के लिए सबसे पहले हमें इस पौराणिक कथा को जानना होगा। दरअसल एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक बात को लेकर विवाद छिड़ गया। ये विवाद इस बात को लेकर था कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। दोनों ही लोग स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगे थे। एक ओर ब्रह्मा जी का कहना था कि उन्होंने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, उन्होंने चांद तारे सूरज धरती पहाड़ पेड़ पौधे मनुष्य और सब कुछ बनाया है, अगर वो ना होते तो इस संसार की रचना ही क्यों होती। इस पर विष्णु जी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि जिस संसार की ब्रह्मदेव बात करते हैं वो पूरा संसार विष्णु जी ही चला रहे हैं और वही इसके पालनहर्ता है। अगर वो इस संसार को चलाना बंद कर दें तो ये तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। दोनों में ये वाद विवाद बढ़ता ही चला गया और दोनों ही देवताओं में से कोई भी एक दूसरे को सही मानने को तैयार ही नहीं था। इन दोनों के इस विवाद की वजह से संसार के ऊपर असर पड़ने लगा और सब कुछ तबाह होने लगा। इस पर भगवान भोलेनाथ को दोनों के इस विवाद को शांत करने के लिए बीच में आना पड़ा। शिवजी ने वहां पर एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। ये शिवलिंग इतना बड़ा था कि इसका कोई भी छोर दिखाई नहीं पड़ रहा था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जब इस शिवलिंग को देखा तो दोनों ही देवताओं ने आपस में सहमति से ये तय किया कि हम दोनों में से जो भी पहले इस शिवलिंग के छोर को ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। अब ये कहकर दोनों ही देवता शिवलिंग के छोर की तलाश में निकल गए। विष्णु जी ने पूरी कोशिश करी लेकिन जब उन्हें शिवलिंग का छोर नहीं मिला तो वो वापस आ गए। उधर ब्रह्मा जी भी शिवलिंग का छोर ढूंढ ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में केतकी का पेड़ मिल गया, और ब्रह्मा जी ने दिमाग लगाया और केतकी के पेड़ से कह दिया कि वो ये झूठी गवाही दे दे कि ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का छोर ढूंढ लिया है। अब केतकी का पेड़ मान गया और ब्रह्मा जी भी वापस आ गए। जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी आमने सामने आए तो विष्णु जी ने सच बता दिया कि वो शिवलिंग का छोर नहीं ढूंढ पाए। उधर ब्रह्मा जी ने झूठ का सहारा लिया और कहा कि उन्होंने शिवलिंग का छोर ढूंढ लिया है और इसका गवाह ये केतकी का पेड़ है। केतकी के पेड़ ने भी इस चीज की गवाही दे दी कि ब्रह्मा जी सत्य कह रहे हैं। लेकिन तभी वहां पे शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने क्रोध में ब्रह्मा जी का पांचवा सर काट दिया जो कि ऊपर की ओर निकला हुआ था। इसी के साथ भगवान शिव ने केतकी के पेड़ को भी श्राप दिया और कहा कि केतकी के पेड़ से उत्पन्न पुष्प कभी भी शिवलिंग पर स्वीकार नहीं होगा, और अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसे बुरे परिणाम झेलने होंगे जिसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा। यही वजह थी कि भगवान शिव को ब्रह्मा जी का सर काटना पड़ा, और तभी से आज तक केतकी के फूलों का शिव जी के किसी भी कार्य में इस्तेमाल नहीं किया जाता। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों ब्रह्मा जी को अपना एक सर गंवाना पड़ा और क्यों केतकी का फूल भोलेनाथ को पसंद नहीं है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल
धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।